हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? टुडे होली ग्रेल ऑफ क्लीन एनर्जी मे बी लाइंग इन द अर्थ फॉर द टेकिंग। तो क्या है, चलिए देखते हैं। इन द रॉकी सॉइल ऑफ लोरेन फॉर्मर्स कोल माइनिंग नियर द फ्रेंच जर्मनी बॉर्डर, साइंटिस्ट गाइडेड अ स्मॉल प्रोब वन रिसेंट डे डाउन होल हाफ अ माइल इनटू अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे आधा माइल जो है अर्थ क्रस्ट में बोरहोल किया गया है। फ्रोथिंग इन टेबल बिलो वॉज द एक्साइटिंग फाइंड साइज बबल दैट सिग्नल पोटेंशियली मेमथ कैशे ऑफ द सो कॉल्ड वाइट हाइड्रोजन, वन ऑफ द क्लीनेस्ट बर्निंग इन नेचर। वाइट हाइड्रोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोजन मैजिकल, व्हेन यू बर्न इट यू रिलीज वाटर, सो देर आर नो कार्बन इमिशंस टू प्लैनेट, सेड वन ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, वी थिंक वी हैव अनकवर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ द नेचुरल हाइड्रोजन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। द डिस्कवरी ऑफ पिरोनोन एंड फिलिपी डी डिकांटो, बोथ मेंबर्स ऑफ फ्रांस रिस्पेक्टेड नेशनल वेयर द गवर्नमेंट इतना वॉव्ड यूरोपियन। ठीक है, देर आर स्टिल मेनी क्वेश्चन टू फाइंड इंक्लूडिंग how best to extract the gas, but it has added to less okay that a whole lot of clean energy may be lying in the earth for a taking, but making commercially hydrogen involving spitting water into hydrogen and oxygen, splitting water into hydrogen and oxygen and endeavor that require energy. If fossil fuel are used, the process results in greenhouse emission and result is called gray hydrogen. Natural hydrogen also called white hydrogen because of the purity could be the game. According to the US Geological Survey, just a small fraction of this itna theek hai. In Lorraine, scientists said their test suggests a deposit of 46 million to 260 million metric ton of natural hydrogen. Around 70 million metric ton of hydrogen is produced commercially worldwide each year. Natural hydrogen reserve has been detected recently in the part of United States, Australia, Africa, Russia and elsewhere in Europe too. It's usual to find hydrogen when drilling for gas or oil, but in past companies ignore such discoveries because of low demand. Research didn't give white hydrogen much credence until a chance discovery in this jagah pe, a small village in Mali in 1997. When the worker accidentally set fire into a water well by lighting a cigarette over it, the well was found to contain natural hydrogen and it is now used to power shop the house after local entrepreneur hired a petroleum company to tap the gas. You have the cake. Now the question is, how do you eat it? Aapko mil to gaya mamla, ab aap isko use kaise karoge? President of isne bola ye cheez, theek hai. If all goes according to in Lorraine, new drilling will start next year with the advanced probe that will take gas from as far as 1.8 mile below the ground with the aim of extracting natural hydrogen by 27 or 28. We might have real hydrogen factory hidden under our feet, the doctor said. It's a cause of real excitement. So, ab aap ye isme hame dhyan kya rakhna hai? Sabse pehle यहाँ पे हमें ध्यान रखना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? क्लीन एनर्जी है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग बर्न करते हैं तो इससे क्या निकलता है? अब देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ गया, ठीक है, क्लीनेस्ट फ्यूल व्हेन बर्न इट रिलीजेस वाटर, वाटर रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है, ठीक है, पर इसमें से कार्बन वगैरह रिलीज नहीं होता है, इसीलिए हाइड्रोजन आपका, इसको हम लोग क्लीन एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रोजन देखिए दो टाइप है, एक तो हो गया ग्रे हाइड्रोजन और एक हो गया वाइट हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन किस कहते हैं?
व्हाइट हाइड्रोजन तो क्लीनेस्ट है, ठीक है, क्लीनेस्ट है और ये नेचुरली फाउंड होता है, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा जो है इसको क्यों बोलते हैं कमर्शियली हाइड्रोजन, बट मेकिंग कमर्शियल हाइड्रोजन इन्वॉल्व स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें हम लोग H2O स्प्लिट करते हैं H2+। अब आप इसको बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, टू कर दोगे इसको, टू कर दो, ये हो गया। तो ऐसे इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ठीक है, स्प्लिट। पर ये स्प्लिट करने में हमें क्या चाहिए, एनर्जी, यहाँ पे बीच में हीट डाल दो, डेल्टा यानी आपका हीट हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये कहाँ से आती है, फिर ये फॉसिल फ्यूल से आती है। तो आप बात को समझना, आप फॉसिल फ्यूल आपको ना जलाना, इसलिए आप हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बना रहे हो, पर वो हाइड्रोजन बनाने में आपको फॉसिल फ्यूल लग रहा है। तो हो सकता है यूनिट कम लगता हो, पर यहाँ कार्बन रिलीज हो गया, तो इसीलिए ये पूरा वाइट नहीं है और ना ही फॉसिल फ्यूल की ब्लैक है, ये ग्रे एरिया है, ना ज़्यादा क्लीन ही है और ना ज़्यादा रहा है, ये बीच में ग्रे पार्ट में, इसीलिए इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हमारे लिए बस इतना ही जानना था कि हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है, और इसके ऊपर और कभी आर्टिकल है तो पढ़िए। लॉरेन में मिला है यहाँ पे इन लोगों को 1.8 इतना ड्रिल कर, और बोला जा रहा है प्योरिटी ऑफ वाइट हाइड्रोजन को भी गेम चेंजर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये क्या हो सकता है, गेम चेंजर, ठीक है। इतना ही था, और बस इतना ही था।